श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 2021 का अंतिम चंद्र ग्रहण आने वाला है 4 दिसंबर 2021 को। इस चंद्र ग्रहण को लेकर कई लोगों के मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, जिन प्रश्नों का जवाब हम आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा एंड वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 4 दिसंबर 2021 को शनिवार के दिन पड़ रहा है। और दोस्तों, ये साल का अंतिम ग्रहण है, जिसकी अवधि भी हम आपको बताएंगे और कहां कहां पर यह पड़ने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे और किसके लिए यह सूर्य ग्रहण अच्छा नहीं है वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण की समय अवधि क्या होगी। दोस्तों, सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर 2021 को शनिवार के दिन सुबह 10:59 से शुरू होगा, जो कि दोपहर के 3:07 तक चले। इस पूरे चंद्र ग्रहण की जो समय अवधि होगी वो पूरी 5 घंटे 8 मिनट तक की रहेगी। सुबह 10:59 से लेकर दोपहर के 3:07 तक यह सूर्य ग्रहण चलेगा। अब दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण किस किस जगह पर रहेगा वो भी आप लोग सुन लीजिए। दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण हमारे भारत के किसी भी भाग में नहीं रहेगा। यह सूर्य ग्रहण ज़्यादातर दक्षिण अफ्रीका के देशों में दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा एंड एंटार्क्टिका में दिखाई देगा और कई विदेश के क्षेत्रों में यहाँ पर दिखाई देने की इसकी संभावना है। पर हमारे भारत देश में इसका कोई भी यहाँ पर अंश नहीं दिखाई देगा। हमारे भारत देश में 4 दिसंबर को कोई भी यहाँ पर सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों, हमारे भारत की बात करें तो भाई भारत में यहाँ पर सूतक बहुत ज़्यादा माना जाता है। जब भी कोई ग्रहण आता है तो 4 दिसंबर को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण का कोई भी सूतक हमारे भारत में मान्य नहीं होगा, क्योंकि हमारे भारत में सूर्य ग्रहण नहीं लग रहा है। ये जो है अलग अलग देशों में लग रहा है, दक्षिण के देशों में लग रहा है, तो यह सभी सूतक की बातें वहाँ के लोगों को ज़्यादा मान्य रहेंगी। पर जब भी हमने आपको टाइमिंग वगैरह बता दिया है, आप चाहें तो इस टाइमिंग में जो है थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और आप यह बात भी ध्यान रखिए कि गर्भवती महिलाओं के लिए क्या बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए, हमारे भारत में भले ही जो है यहाँ पर इस सूर्य ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं सूतक लग रहा है हमारे भारत में 4 दिसंबर को, पर जब भी दोस्तों जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस समय अवधि, जिस समय सूर्य ग्रहण लग रहा है उस समय अवधि के बीच में उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। भले ही हमारे देश में यहाँ पर कोई भी सूतक या चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है, पर जब भी आपको भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। जितने भी जो है गर्भवती महिलाएं वो भगवान के सामने बैठकर, थोड़ा भगवान से दूर बैठकर या अलग से कहीं बैठकर भगवान का नाम लेते रहिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। और यहाँ पर कोई भी डरने वाली बात नहीं है सूर्य ग्रहण में कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत मान्य बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को जो है कोई भी दिक्कत, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को बस इतना ध्यान देना है कि वो भगवान का नाम लेते रहें सूर्य ग्रहण की अवधि के बीच में। बाकी भारत के देशों को, भारत के लोगों को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं मान्य है, ना ही सूतक। ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।